तो फ्रेंड्स, आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हो और आपने अपने एडसेंस अकाउंट में कोई मिस्टेक वगैरह कर दी है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने एडसेंस अकाउंट बनाते समय उसमें जो एड्रेस वगैरह फिल करते हो तो उसमें स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर देते हैं। तो हम जब अपना इसमें कोई डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करने जाते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, फिर पैन कार्ड हो गया, जब इसमें वेरीफाई करने जाते हैं तो यहाँ पर एरर आ जाता है, ठीक है, वो वेरीफाई नहीं होता। तो आप अपना एड्रेस है वो किस तरह से एडिट कर सकते हो, मतलब आपका एडसेंस में जो आपने एड्रेस यहाँ पे डाला था वो एडिट आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें आप तभी तक एडिट कर सकते हो जब तक आपने ये मैनेज टैक्स इन्फो वाला जो फॉर्म है वो नहीं, अभी तक नहीं फिल किया, ठीक है। अगर आपने ये फॉर्म भर दिया तब आप अपना एड्रेस है वो एडिट नहीं कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर ये फॉर्म अभी तक नहीं भरा तो आप अपना एड्रेस है वो एडिट कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। जो आपका डॉक्यूमेंट में एड्रेस है वही आप यहाँ पर भी डाल सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आप अपना एड्रेस है वो यहाँ पर एडिट करके जो आपके डॉक्यूमेंट में एड्रेस है वही आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं कि इस तरह से आपको करना है। जो दोस्त यार चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी आपके मन में कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आपको अपना एडसेंस अकाउंट है वो ओपन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे पेमेंट्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ ये वाला, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको अपना एड्रेस है वो यहाँ पर एडिट करके आपके डॉक्यूमेंट में जो भी एड्रेस है वही आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे ये आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैनेज सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना एडसेंस का पब्लिशर आईडी है वो भी आपको दिखाई देगा, किस नाम से आपका एडसेंस अकाउंट है वो भी आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, और आपके अकाउंट में कितने डॉलर हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। वो तो आप शुरू में भी देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद, मैनेज सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा एड्रेस वो यहाँ पर शो कर जाएगा, और आपको एड्रेस अगर चेंज करना है तो जो आपका एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट में है या फिर आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया उसमें जो एड्रेस वगैरह है वही यहाँ पर यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो आप जब पिन वेरीफाई करते हो तो वो आसानी से यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको अगर एड्रेस यहाँ पे चेंज करना है तो आपको ये पेंसिल वाला आइकन नजर आए इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये देखिए पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर शो कर जाएगा, फिर आप अपना जो सही एड्रेस है वो यहाँ पर डाल सकते हो और अपना अकाउंट है वो सही कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे ये मैनेज टैक्स इन्फो वाला फॉर्म अभी तक नहीं भरा तब तक, ठीक है, अगर आपने ये फॉर्म भर दिया फिर आप अपना एड्रेस है वो चेंज नहीं कर सकते हो। आपको अच्छे से एक बार देख लेना, उसके बाद आपको अपना एड्रेस सही करना है, सही करने के बाद आप अपना पिन वेरीफाई यहाँ पर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और भी आपके मन में कुछ सवाल है कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगा।